हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स नेशन। आज हम आपको दिखाएंगे कि BHU का फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, ठीक है, ये जो रास्ता है विश्वनाथ टेंपल की तरफ चला जाता है और ये जो रास्ता है आपका चला जाएगा सीधे लंका। और मैं फैकल्टी ऑफ कॉमर्स के मेन गेट पे खड़ा हूँ, ठीक है, और फैकल्टी ऑफ कॉमर्स से यहाँ से हम लोग एंट्री करेंगे। और देखिए, धीरे धीरे हम लोग एंट्री कर रहे हैं। और ये जो राइट साइड में पार्किंग है आपका, राइट साइड में पार्किंग है और इधर लेफ्ट साइड है, उसके बाद आप जाएंगे ये भी पार्किंग है। इस साइड प्रोफेसर सर लोगों का पार्किंग होता है, राइट साइड में स्टूडेंट का होता है। और ये मेन कैंपस का गेट है फैकल्टी ऑफ कॉमर्स का, श्री ठाकुर रतनपाल सिंह वाणिज्य भवन, जो कि इस्टेब्लिश हुआ था 1980 में। यहीं से हम लोग बीकॉम एमकॉम किए हैं और आप लोग आओगे एमकॉम करने के लिए और बीकॉम करने के लिए। ये मेन गेट है और जब यहाँ से एंट्री करोगे तो पहले ही स्टार्टिंग में आपको सरस्वती जी का, ये देखिए श्री ठाकुर रतनपाल सिंह वाणिज्य भवन, और पहले देखिए सरस्वती जी का मंदिर है। ये पूरा फैकल्टी ऑफ कॉमर्स है, पूरा ये गेट है, ये सीढ़ी है ऊपर जाने के लिए लेफ्ट से, और राइट से भी सीढ़ी ऊपर जाने के लिए। और ये जितने सारे प्रोफेसर्स हैं उनका नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, जितने सारे BHU में प्रोफेसर्स हैं। और ये आप लोगों का वेलकम ऑल न्यू स्टूडेंट ऑफ BHU फॉर एकेडमिक ईयर 2020-21। और यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिए जाते हैं, सारे नोटिस बोर्ड होते हैं, और इस साइड में भी नोटिस बोर्ड हैं, और इस साइड में भी जितने सारे सीनियर प्रोफेसर हैं, सीनियर प्रोफेसर का लिस्ट इस साइड है, और जितने सारे जूनियर प्रोफेसर है। अमन सर आपके साथ हैं, अमन सर हाय करिए बच्चों को। देखिए BHU का नज़ारा है, ये फैकल्टी ऑफ कॉमर्स है आपका, ये अमन सर राइडिंग कर रहे हैं, ये फैकल्टी ऑफ कॉमर्स का गेट है, ये देखिए श्री ठाकुर रतनपाल सिंह वाणिज्य भवन है, और देखिए मैं भी देखे देखिए विश्वनाथ मंदिर की तरफ रास्ता जाता है। यहाँ पे BHU में बहुत ही फार्मेंट अच्छा होता है। BHU का
आपको हम साक्षात दर्शन कराते हैं महादेव जी का। ये देखिए विश्वनाथ टेम्पल है जो कि अभी फिलहाल बंद चल रहा है कोविड की वजह से। ये विश्वनाथ टेम्पल जिसको बीटी हम लोग इसको बीटी के नाम से फेमस है। ये यहाँ पे महादेव की बीएचयू का जो विश्वनाथ टेम्पल है विश्वनाथ मंदिर। चलिए यहाँ पे देखिए नारियल पानी मिल रहा है, आपको आगे पी सकते हैं। वहाँ पे चाय मिलता है। बीएचयू के गार्ड लोग जा रहे हैं। ये देखिए एरिया है, फूल का बगीचा है, इसमें आप फोटो खा सकते हैं। हैदराबाद गेट के साइड निकल जाएगा सीधे और ये आईआईटी है। बीएचयू का आईआईटी यहाँ से स्टार्ट होता है। आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी। और ये आपका पीछे चला जाएगा सीर गेट हैदराबाद। और ये जो रास्ता भी चल रहा है हैदराबाद के, फिर आपको नज़ारा देखो तो बहुत सुंदर, जो छठ का नज़ारा चल रहा है देखते हैं उसमें आप थोड़ा दिख रहा होगा, बहुत अच्छा तो नहीं दिख रहा लेकिन बहुत दिख रहा है। यहाँ पे छठ मनाया जा रहा है। एनवायरमेंट है, आप प्रिपरेशन अच्छे से करिए, पूरी जान लगा दीजिए और इस बार आप बीएचयू का सभी लोग का बीएचयू में एडमिशन हो जाए। ये जो एरिया हम लोग हैदराबाद एरिया में अमन सर बाइक बहुत अच्छे से चल रही है। हाय सर, कुछ बोलिए बच्चों के लिए। बाइक चलाते समय कुछ नहीं बोलना है। अच्छा, बाइक चलाते सर का कहना है कि बाइक चलाते समय कुछ नहीं बोलना है, क्योंकि हम लोग हेलमेट नहीं लगाए ना तो मास्क लगाए, बट हम लोग सेफ हैं बिकॉज बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ जगह नहीं है और आप लोग बीएचयू प्रिपरेशन करते रहिए। ये सब देखिए हॉस्टल्स हैं ये आईआईटी हॉस्टल है। सब देखिए सब हॉस्टल्स हैं। आपको पढ़ाई के लिए यहाँ पे देखिए ऑटो स्टैंड है। हैदराबाद गेट हम लोग आप हैदराबाद गेट के पास आ गए हैं। हैदराबाद गेट से सीधे लंका जा सकते हैं, लंका से हैदराबाद गेट जा सकते हैं दोबारा। ये देखिए हैदराबाद गेट है, ठीक है, जो कि बीच में बंद है, लेफ्ट राइट ओपन होगा रहता है हैदराबाद गेट।